जाट धर्मशाला कमेटी द्वारा बढ़ते मसाले विद्यार्थी जो बड़े अधिकारी IAS लेफ्टिनेंट पायलट MBBS या फिर किसी भी फील्ड में जिन्होंने मुकाम हासिल कराया वो सम्मान समारोह में उपस्थित जाट सभा के अध्यक्ष अपने भाई इंद्र सिंह चंद्र सिंह जी राजमल जी मंच आशीन सभी सम्मानित जाट बरादरी के सम्मानित रानी जिले के तमाम बहन और भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस सफल आयोजन के लिए जाट समाज के इस धर्मशाला के तमाम पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और इस भले काम में शामिल होने का मुझे भी मौका दिया उसके लिए आभार प्रकट करता हूं कि भले काम में शामिल होना, किसी भले काम में पैसा लगना, महापुरुषों की संगति होना, ये पिछले जन्म के संस्कार के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने ठीक फैसला किया। जो प्रतिभाशाली जो फील्ड में हर फील्ड में जो अपना नाम रोशन करते हैं, समाज का नाम रोशन करते हैं, जिले का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उनको जो सम्मानित करने का जो काम किया है, आने वाले टाइम में बच्चे इनसे प्रेरित होंगे। जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना है अपने बहन और भाइयों से इनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा के स्वरूप अपना टारगेट फिक्स करें। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब हुए हैं वो गरीब घर में बच्चे पैदा हुए, जितने भी महान चाहे कोई अर्थशास्त्री चाहे वैज्ञानिक चाहे किसी भी फील्ड में जिन्हें भी नाम रोशन करा, 95% गरीब घर में बच्चे पैदा होते हैं। तो किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए गरीबी और अमीरी कोई फाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ऊपर टैलेंट और उसकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक इस मंच के माध्यम से भाइयों से जरूर प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज पूरे समाज को जगाने की जरूरत है। आज हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई हो, हमने सबसे पहले बेहतरीन समाज बनाने के अंदर अपना योगदान देना है। आज जो हमारे गांव के अंदर जो बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा कोई पिछले हफ्ते बादली के अंदर 30 गांवों में पंचायत हुई, गाँव के अंदर नशा घर कर गया। हमने उस बुराई को भी रोकना है, अपने अपने आने वाली कौम अपने वाली नस्ल को भी बचाना है। जो हिंदुस्तान का भविष्य है, किसी सरकार किसी नेता का कोई ध्यान नहीं है। 500-500, 700-700 बच्चे गलियों में घूम रहे हैं, कोई शादी हो रही है उनकी, कोई रोजगार नहीं है, बेड़ा गर्क हो रहा है। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, आज से ये प्रेरणा ले लो, एक कसम खा लें, चाहे बेसिक एक टीम भूखा रह जाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो। हमारे तो ये तो त्याग तपस्याओं की धरती है, चौधरी मेहता सिंह और मनसाराम की धरती है, यहाँ नशे वाली भेदभाव की बात कहाँ से आ गई। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, जो भी अपना पड़ोस का है, चाहे कोई भी हो, अगर प्रतिभाशाली बच्चा है उसका सहयोग करें। अपने घर में मिठाई बढ़ती है तो देखो पड़ोसी के तवाचा ढाकने चले, उसको भी जीने खा कर सबको साथ लेकर चलेंगे, बढ़िया व्यवस्था बनेगी। और मुझे इसी कहने में भी कोई संकोच नहीं है, हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था की कमी थी। आज मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, जब हम छोटे थे आज जहाँ बहने जिला कहाँ जाना चाहिए था, आज बहने जिले की बुरी दुर्दशा है, न शिक्षा के क्षेत्र में, न फैक्ट्री कारखाने रोजगार के मामले में, आज तमाम भिवानी जिले के करीब बैठे हैं। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं, अभी भी समय है, कबीर जी ने भी कहा है यही वक्त है बेला साधो, यही समय जागने का। इसलिए बुराई को रोकना और बाधाई में लगना और इस दादरी भिवानी या पूरा हरियाणा प्रदेश देश के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा के प्रतिभा हासिल करके देश का नाम रोशन करना हमारा कर्तव्य बनता है। आशीष करना ले, खिलाफ एक्टर करना, भलाई में सहयोग करना, चाहे कोई भी भाई हो। अब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था हमारे ग्रेवाल साहब, ये परिवार की जो प्रॉपर्टी का मामला है, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम अपना पूरा जिंदगी एक दूसरे की टांग खींचने में नीचा दिखाने में लग जाते हैं। उस समय का, उस पैसे का, उस जमा का सदुपयोग समाज के हित में, देश के हित में हो, उसका आने वाले टाइम में रिजल्ट मिले। इसलिए आज से कसम खा लो, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये दौलत, ये पद कोई माने नहीं रखता। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है इंसानियत होना, और इंसानियत वो है किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी दुखिया का दुख बढ़ाएं, किसी बेसहारा को सहारा दें, किसी गरीब बहन बेटी की इज्जत को बचाएं, ये बात है, हमारा धर्म है। पद होना अच्छी बात है, हासिल करो, लेकिन उसके साथ साथ मेरा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का भी निर्वाह करना है। एक बेहतरीन समाज बनाने में जिन बच्चों ने ये प्रतिभा हासिल करी, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और एक मैं अपने बहन और भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ, अभी आपकी शुरुआत, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत, हिंदुस्तान में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये नेता लोग तो सिर्फ दस्तक करने जानते हैं, इनको ये नहीं पता इस फाइल में क्या लिखा है, वो बेटा आप लोगों ने करनी है। इसलिए बेहतरीन समाज
एक बेहतरीन देश, मजबूत भारत, शक्तिशाली बने, उसमें आपकी कलम का प्रयोग हो। और वो हमारे को मौका दिया है। जितने भी सरकार ने जो पास करे बिल, ये हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे भाई उसमें बहुत कम भागीदारी थी। हरियाणा प्रदेश की 2% भी भागीदारी ISIPS के अंदर नहीं थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि 15-20% पिछले तो 50% तक हमारे हरियाणा के बहनों भाई में शामिल हुए। ये जरूरी है, और वो होगी जब जब हमने ये हासिल करना है कि हमारे बच्चों को तमाम भाई, मुझे भी इस बात का भी कहने में खुशी है कि मेरी भतीजी, सगी भतीजे ने भी अभी HCS का टेस्ट पास करी, IAS की तैयारी करी है। बच्चों के अंदर कंपटीशन अच्छी बात होना चाहिए, अच्छी कोचिंग दिवाएं। पहले परंपरा थी कि बच्चों को, लड़कों को स्कूलों में भेजते थे, लड़कियों की तो बातें छोड़ो। और आज के टाइम में भी जो लड़का और लड़की के अंदर फर्क समझता है, तो मैं उससे गिरा हुआ आदमी नहीं मानता। आज सब बराबर हैं, बच्चियों को भी पढ़ने का मौका दें, वो भी आगे बढ़े। और इस भागीदारी, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, आर्मी के अंदर भी जिस प्रकार हमारे नौजवान लड़के हैं, उन्हें को वही अधिकार लड़कियों के मिलने जा रहे हैं। इसलिए इस समय का सदुपयोग करें, देश को मजबूत बनाने में अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और हम सब का जो हमारे जिम्मेवार आदमी बैठे हैं, इन खातों का भी कर्तव्य बढ़ता है, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। इस समाज के अंदर जो बुराई आ गई, इस बुराई को रोकना, इन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा। और मुझे ये कहने में भी खुशी नहीं, हमारे सामान भाई कहीं बैठे हैं, सारे भाई जानकार हैं, हमने पहली बार 1998 में बगैर एजुकेशन का कुछ नहीं, 1998 की पहली पंचायत के अंदर हमारे कर्नल साहब ताऊ जी थे, जब रखा था कि लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए। आप लोगों की कृपा से जो में कॉलेज बनाया, तो हमारी 3,500 बहने पढ़ रहे हैं। शायद कॉलेज नहीं पढ़ता तो आधे से ज़्यादा लड़की कॉलेज में नहीं जाती, क्योंकि बगैर संस्था के बगैर बात नहीं बनेगी। इसलिए अच्छी संस्थाओं का निर्माण, इतना नेता है इसे भी कहो कि हमें हायर एजुकेशन टेक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी चाहिए, जहाँ हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में, हम सिर्फ जो थोड़ी सी नौकरी है यहाँ तक सीमित रह जाते हैं, पुलिस की पटवारी की नेता लोगों का चक्कर काटते रहते हैं, इनसे ज़्यादा तनख्वाह एक BBC के अंदर लड़की है, हमारी सांगवान लड़की है, एक अमेरिका के अंदर लड़की है, सांगवान लड़की है, जिसका 6 महीने पहले इंटरव्यू देने के लिए लेक्चर के लिए अप्लीकेशन देनी पड़ती है। एक कसोला गाँव में मेरा साथी भूपेंद्र रिटायर है फौज सुबेदार से, उसका लड़का अमेरिका की यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस से कंप्यूटर इंजीनियर में यूनिवर्सिटी में पहला नंबर हासिल कर अपने कसोला गाँव में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दिमाग है, भगवान ने दे रखा इसका सदुपयोग, और ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले टाइम में हमारे बच्चे और आगे बढ़ें, उसमें किसी भी प्रकार की जो भी ड्यूटी भाई लगाएंगे, मुझे तो खुशी है इस बात की, भाई सेवा से बढ़कर और कोई पद नहीं। सेवा से बढ़कर मैंने बहुत सारा सौदा देखा, इस 55-56 साल की उम्र में 17 साल पुलिस की नौकरी करी, बदमाशों को देखा, खिलाड़ियों को देखा, राजनीतिक पार्टियों को देखा, नेताओं को देखा, धर्मात्माओं को देखा, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, मंदिरों को देखा, पूजा संतों को दर्शन करने का मौका मिला। अब तू अमल करे सो गाँव, जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है उसी को पता है, शराबी को पता है नशा कितना है, बंदर को नहीं पता अदरक का स्वाद क्या है, जो चाय में घोट के पीता उसको पता है अदरक का क्या स्वाद है। जो 55-56 साल की उम्र में मैंने आप लोगों से जो सिक्का समाज के हर कोने के अंदर देखा, मैं कहना चाहता हूँ सारा सौदा झूठा है। अगर कुछ है तो किसी की सेवा करके दुआ ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए सेवा करें, इस पद का गरिमापूर्ण विवेक से, सदबुद्धि से, बेलाग से पेट बेदाग। कबीर ने भी कहा है कि जीने जीने रे चदरिया, वैसे वैसे जीने चदरिया, चाहे कोई भी पद हो, कहीं भी हो, इसके ऊपर दाग न लगे, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद रहने चाहिए। जिस प्रकार आप लोगों ने पगड़ी का सम्मान कराया, इसमें हिंदू धर्म में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपकी पगड़ी के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समाज की इस सेवा करके आपके ईमानदारी के साथ रिजल्ट देने का काम करूँ, भाइयों विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनसे भी कहना चाहता हूँ, अभी ये आपकी शुरुआत है, आपने बहुत कुछ आगे जाना है। डायरेक्टर बनना है, कोई ACS बनना है, कोई सेक्रेटरी बनना है, कोई चीफ सेक्रेटरी बनना है, आपकी कलम से बहुत कुछ का भला होना जाना है। इसलिए विवेक और सदबुद्धि से, उसका शुद्ध अंतःकरण से उसका सदुपयोग करना, देश को आगे बढ़ाना, अपना योगदान देना, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो दूसरे नौजवान साथी हैं उनसे भी प्रार्थना, इन भाई बहनों से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े। और दूसरी मेरी बहन भाइयों से भी प्रार्थना है, कोई बच्चा आप लोगों से कुछ सीखता है, आप लोगों से कुछ पूछता है, तो उन भाइयों का मार्गदर्शन करने का काम भी आप करेंगे। मैं तमाम समाज का, इस और भिवानी जिले की करीम का, तमाम भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।